कहावत है ऊंट बैठ भी है तो नाम क्या बोलूं, गधा से ऊंचा होता है। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं NMF न्यूज। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, ये लाइन फिलहाल पप्पू यादव पर बिल्कुल सटीक बैठ रही है, क्योंकि जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव तो अरमानों की पोटली लिए ही दिल्ली आए थे और कांग्रेस से हाथ मिलाया था, कांग्रेस की शान में कसीदे पढ़ रहे थे, कांग्रेस को माई बाप बना लिया था। पप्पू यादव किस तरीके से उनकी तारीफ कर रहे थे, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, उससे पहले आपको सुना देते हैं कि पप्पू यादव कांग्रेस की तारीफ के पुल कैसे बांध रहे थे। कहावत है ऊंट बैठ भी है तो नाम क्या बोलूं, गधा से ऊंचा होता है। कांग्रेस बैठ भी जाए ना तो इस ताकतवर लोगों से सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है। भले ही EBM, पूंजीपति, मीडिया और CBI ED के द्वारा कोई PM 400 पार कर ले, इस हिंदुस्तान के 130 करोड़ का किसी ने दिल जीता है तो वो राहुल गांधी है। मैं कांग्रेस के लिए बिहार में सशक्त मजबूती के साथ संघर्ष भी करूंगा और मजबूत पार्टी बनाने में हमेशा पूरी तमीयता के साथ कांग्रेस के लिए काम करूंगा। देखा आपने, पप्पू यादव बिहार से दिल्ली भागे भागे आए और कांग्रेस का कैसे हाथ थामते हुए कांग्रेस की जमकर तारीफ की, इसी उम्मीद से कि पूर्णिया से उन्हें टिकट तो मिल ही जाएगा, क्योंकि RJD से इनकी कितनी बनती है जग जाहिर है। तेजस्वी की हमेशा आलोचना करते रहते हैं, यहां तक कि ये कह दिया था कि तेजस्वी एक मुखिया का चुनाव नहीं जीत सकते, वे लालू के बेटे हैं, बस इसी का फायदा उठाते हैं। तेजस्वी के लिए इतने तीखे अल्फाज इस्तेमाल करने के बाद पप्पू यादव को पता था कि RJD के साथ तो कुछ दाल नहीं गलेगी, इसलिए सीधा दिल्ली का रुख किया और कांग्रेस की शरण में चले गए। कांग्रेस ने भी उन्हें लॉलीपॉप दिया, लेकिन पप्पू यादव को 440 वोल्ट का झटका तब लगा जब उन्हें पता चला कि उनके साथ तो खेला हो गया। पप्पू यादव ना इधर के रहे ना उधर के, कांग्रेस के साथ अपने जन्मों जन्मांतरण का रिश्ता भी जुड़वा दिया और उन्हें टिकट भी नहीं मिला। अब पप्पू यादव चक्कर में पड़ गए कि करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या, क्योंकि पप्पू यादव एक ऐसे धर्म संकट में फंसे हुए हैं कि उन्हें कुछ सूझ ही नहीं रहा है। क्योंकि जब पप्पू यादव कांग्रेस में शामिल हो रहे थे तो उनके समर्थक खुशी से पप्पू यादव जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, लेकिन जैसे ही टिकट कटने का पता चला तो यही समर्थक अब नाराज होकर इसका विरोध भी कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पप्पू यादव ये भी कह रहे हैं कि पूर्णिया वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे और उन्हें टिकट भी नहीं मिला है। कुल मिलाकर पप्पू यादव के साथ धोखा हो गया है, क्योंकि इंडिया गठबंधन ने पूर्णिया लोकसभा सीट से RJD के बीमा भारती को उम्मीदवार बना दिया है, इसलिए अब BJP ने पप्पू यादव को खुला ऑफर दे दिया है। जी हाँ, BJP नेता हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा है कि पप्पू यादव के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, इसलिए पप्पू यादव इंडिया के साथ आ जाएं और राष्ट्रवाद की धारा को मजबूत करें, फिर आगे देखा जाएगा। उन्होंने कहा कि RJD हमेशा फर्जीवाड़ा करने का काम करती है और पप्पू यादव के साथ भी यही हुआ है। कुल मिलाकर पप्पू यादव अब खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, वहीं BJP ने भी अब उनको ऑफर दे दिया है। वैसे देखना होगा कि पप्पू यादव क्या करते हैं, BJP का हाथ थामते हैं या फिर कांग्रेस और RJD से बदला लेने के लिए अपनी ही पार्टी की तरफ से अकेले चुनावी मैदान में उतरते हैं, ये देखने वाली बात होगी। वैसे आपको क्या लगता है, आप भी कमेंट करके जरूर बताएं।